हेलो दोस्तों, मैं माला चटी जी किचन में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं बना रही हूँ रोहू को, हाथ से मैंने मसाले को सान करके इसको बना रही हूँ। अब देख लीजिए, इसका मुझे दिमाग में नहीं आ रहा है जी मैं कैसे इसका टाइटल को करूँ, लेकिन ये खाने में बहुत टेस्टी होता है। तो इसके लिए पहले मैंने देखिए रोहू फिश लिया हुआ है, ये देखिए रोहू फिश लिया हुआ है। अब इसमें मैंने हल्दी और नमक थोड़ा सा लगा दूँगी। हल्दी और नमक थोड़ा सा, मैं इसको तेल में, गरम तेल में मैं इसको पहले थोड़ा सा हल्का सा भूनूंगी, ज़्यादा नहीं, हल्का सा भूनना है मुझे। दोनों तरफ से लगा लेना है। इस तरह से लगा लिया मैंने। अब मैं पहले इसको प्याज को और लहसुन को पहले इसको फ्राई करना है। तो देख लीजिए मैंने कढ़ाई बैठा दिया है, अब मैं इस पास हाथ धो के आ रही हूँ। तब मैं आ करके इसको गैस में, गैस को ऑन कर दी। गैस को ऑन करने के बाद अब इसमें मैंने सरसों का तेल देना है। पानी नहीं है, और फिर इसको और थोड़ा सा तेल देना है, क्योंकि इसको मुझे वो प्याज को पहले भून लेना है, लहसुन को भून लेना है। एक प्याज दिया है मैंने और एक बड़ी लहसुन की वो दी है। कली तक तेल हो जाए उसके बाद मैं आ रही हूँ। पहले मैंने लहसुन को फ्राई कर लिया, हल्का सा पानी ले लेना, भूनकर भी फिर ये देखिए मैंने सबको तल के रख दिया है। अब हाँ, अब इसमें मैं एक आलू भी तल के रख दिया है। ओके, तो अब मैं इसमें मिक्स करूँगी। ये है देखिए, ये है सौंफ, सौंफ पाउडर मैंने बनाया घर में, इसको दे दिया मैंने। अदरक दिया है मैंने एक चम्मच, धनिया पाउडर एक चम्मच, ये हरी मिर्च पीस करके दिया है मैंने, ये रेड तीखा वाला रेड चिली पाउडर। अब जाएगा हल्दी पाउडर, नमक,
स्वाद अनुसार नमक, ये चार हरी मिर्च, थोड़ा सा तेल, थोड़ा सा नींबू जाएगा। एक मिनट में आ रहे हैं। ये देखिए मैंने ये नींबू 1/4 नींबू दिया है। बस अब मैं सबको मिला दूंगी। अब ये देखिए ये मैंने ये कढ़ाई लिया है, इसी में मैंने भुना हुआ है क्या आलू, तो इसको मैं अब इस तरह से दे दूंगी, सबको सेट करके रख दूंगी। पहले थोड़ा सा और थोड़ा पानी डाल दूं, अब मैं ये जो प्याज का भुना हुआ था तेल, जो प्याज का भुना हुआ तेल था, इसको भी मैं इसके इसमें दे दूंगी। बस अब मैं इसको इसको कवर कर दूंगी। पहले गैस को ऑन कर दूं। ये 10 मिनट बाद मैं आऊंगी देखने। ये देखिए वो सब उलट दूंगी मैं, धीरे धीरे करना है जरा, क्योंकि ज़्यादा तो तला नहीं है ना मैंने, थोड़ा सा हल्का सा तला है। बस और 5-10 मिनट हो जाएगा तो हो जाएगा मेरा, जैसा आलू इसका नरम हो जाए, अभी नरम नहीं हुआ है, थोड़ा सा बाकी है। ठीक है, फिर 10 मिनट बाद मैं आ रही हूँ। ये देखिए हो गया है ये। अब इसमें मैं थोड़ा सा धनिया पत्ता दे दूँगी। ये हो गया है, अब इसको डिश आउट कर रही हूँ। ये देखिए अब इसके ऊपर मैं थोड़ा सा
धनिया गार्निश कर दूंगी। ये है मसालेदार रोहू, हाथ से लगाया हुआ, हाथ से मैंने सान करके, इसको मसाले को सान करके मैंने बनाया है। ओके, रोहू।